और बात इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी करीब 11 घंटे तक चली है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे थे और रात के 9:30 बजे प्रधानमंत्री बैठक से निकले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में अपने सहयोगियों से कहा कि जाइए और लोकसभा चुनाव जीत कर आइए, बहुत जल्द एक बार फिर से मिलेंगे। तो लगभग 11:30 घंटे तक लगातार ये बैठक चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 घंटे इस बैठक का हिस्सा बने रहे हैं। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे थे और रात 9:30 बजे प्रधानमंत्री बैठक से निकले। लेकिन जानकारी ये कह रही है कि पीएम मोदी इस बैठक में अपने सहयोगियों से जो कहते हुए नजर आए वो ये कि लोकसभा चुनाव जीतिए, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, जाइए और जीत कर आइए। ये कॉन्फिडेंस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने सहयोगियों पर दिखाया है और ये उस तैयारी को भी बताता है जिस तैयारी के तहत बीजेपी हमेशा से इलेक्शन मोड में रहती है। और बीजेपी ने अब की बार 400 पार का आंकड़े का नारा दिया हुआ है। कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की ये बैठक बहुत ही खास रहने वाली थी और संभवतः माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये इस तरह से आखिरी ये बैठक थी। और इसमें सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में पहुंच गए थे और सीधा लगभग 11:30 घंटे बाद रात के 9 बजे प्रधानमंत्री इस बैठक से निकले हैं और पीएम की ओर से तमाम सहयोगियों से यह कहा गया कि जाइए और लोकसभा चुनाव जीत कर वापस आइए। तो सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद में विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 साल की विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया गया। साथ ही बैठक में मई में नई सरकार के गठन के बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे और उसके तुरंत क्रियान्वयन के बारे में भी चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि हम किससे मिलते हैं और यह देखना होगा कि हम क्या संदेश देते हैं। तो जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की बैठक में विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 साल की विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया गया, लेकिन इसके साथ ही मई महीने में जब नई सरकार के गठन के बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदम होंगे उस पर चर्चा की गई, 100 दिन के एजेंडे पर बातचीत की गई, जिसका साफ मतलब यह है कि बीजेपी बहुत आश्वस्त है, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगली बार भी इस बार 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी ही सत्ता में आएगी। और इसी कॉन्फिडेंस को लेकर ग्राउंड जीरो पर काम चल रहा है और इसी को लेकर लगातार आगे जो कार्यकाल रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि हम किससे मिल रहे हैं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद कर दिया है और पीएम मोदी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुके हैं। अब चुनाव क्योंकि खत्म होने तक पीएम मोदी बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से जुटे हुए हैं ये आपको हम इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाएंगे, बताएंगे पीएम मोदी कहां कहां कैसे कैसे जाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए 29 फरवरी को बीजेपी की सीईसी की बैठक होने वाली है। 4 घंटे इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इलेक्शन मोड बीजेपी का जहां शुरू हो गया है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। 2 मार्च को बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई जिसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया। लेकिन इसके अलावा देखिए 3 मार्च की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक थी वो 11 घंटे चली है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सहयोगियों में जोश भरा है। 4 मार्च 10 दिन चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 12 राज्यों में पीएम की 29 रैलियां होंगी जो कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक चलने वाली हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ चुनाव के पहले तमाम सौगातें लोगों को देंगे बल्कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोशो खरोश पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भरा जाएगा। यानी कि 12 राज्यों में पीएम मोदी की 29 रैलियां होने वाली हैं। 11 घंटे की मैराथन बैठक एक तरफ चली है कल, वहीं बीजेपी का मिशन 2024 और 370 का बीजेपी का टारगेट, लेकिन एनडीए का 400 पार के टारगेट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, बिना रुके बिना थके अपने तथ्य को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं।